बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी डिलाइट। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और ये जो है बहुत आसान रेसिपी है और 10 मिनट्स की रेसिपी है। ये हमारे पास बिस्किट्स हैं, मैरी बिस्किट्स हैं, और ये 24 बिस्किट्स मैंने लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको वेट दिखा देती हूँ। ये दो पैकेट्स मैंने इस्तेमाल किए थे, ये 65 ग्राम्स हैं। और ये मिल्क पैक मैं क्रीम इस्तेमाल करूँगी, 1.5 पैक इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये 2 टीस्पून कॉफ़ी के हैं और ये आधा ग्लास पानी है। और ये डेकोरेशन के लिए मैंने बिस्किट्स को पहले ही ये चूरा करके रख लिया है। और इसके अलावा और अगर आपको ज़्यादा बड़ी सर्विंग डिश में इसको बनाना है तो आप अकॉर्डिंगली अपने बिस्किट्स जो हैं वो ज़्यादा ले लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। ये हमारे पास कॉफ़ी है 2 टीस्पून, इसमें ये हम डाल रहे हैं पानी और ये आधा ग्लास पानी था। और ये मैं सारी चीज़ें जो है ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दूंगी। और अब ये बिस्किट्स इसमें डिप करके और मैं अपनी सर्विंग डिश में इसको लगा दूंगी। मैं ये सारे लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, जो पानी इसका अगर बच जाए तो हम इसके ऊपर ही स्प्रिंकल कर देंगे, इस पे ही बिस्किट्स पे जो हम अभी डिप कर रहे हैं उन पे डाल देंगे ताकि सही से कॉफ़ी का टेस्ट इसमें आ जाए। ये थोड़ा सा पानी जो है ये बच गया है, मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगी बिस्किट्स के ऊपर ताकि कॉफ़ी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, मैं ग्लव उतार लूँ। ये क्रीम जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैं इसको खाली कर लेती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1.5 ये पैकेट इस्तेमाल किया है क्रीम का। और ये हमारे पास रिफान पुडिंग का है पैकेट, इसमें 2 अंदर से निकलेंगे। एक है कैरमल टॉपिंग, ये हम ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला मैं खोल के पैकेट इसमें डाल रही हूँ, पूरा डाल दिया मैंने। और इसको थोड़ा सा मैं अब बीट कर लूँगी, सिर्फ ऐसे आधा मिनट कि सिर्फ ये मिक्स हो जाए। ये तकरीबन मैंने 1 मिनट बीट कर लिए और बस अब मैं इसके ऊपर सर्विंग डिश के ऊपर डाल दूंगी। और ये हमारी डिज़र्ट तकरीबन हमारा तैयार है। इतना इजी है और बहुत मज़े का है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस खाने की आपके साथ शेयर करती रहूं। अच्छा, अब डेकोरेशन के लिए कुछ करना ही है कि ये जो इसकी कैरमल टॉपिंग है ये आपने सिर्फ जब आपके सर्व करनी है आपने ये डिश तो आपने तब ये ऊपर डालना है, वरना ये बिल्कुल फैल जाएगा, मैसी लगेगा और बुरा लगेगा। तो ये आपने डालकर आपने फ्रिज में रखना नहीं है इसको, कैरमल टॉपिंग को। और ये जो आपने डिश है अब ये 2 से 3 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देनी है, क्योंकि ठंडी ठंडी आपने मेहमानों को सर्व करनी है घर में
इस्तेमाल करनी है तो ठंडी अच्छी, बहुत अच्छी, मज़े की ठंडी हो तो अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने रखा था डेकोरेट करने के लिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, डेकोरेशन के लिए नहीं तो कोई कोई मसला नहीं है। ये मैं सर्विंग से पहले अब ये डाल रही हूँ, इसको मैंने एक दो घंटा रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और अब मैं ये डाल रही हूँ।